हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर करंट अफेयर्स लेक्चर टू। ओके, आई होप यू हैव वॉच डिड मेक अ नोट फ्रॉम योर करंट अफेयर्स लेक्चर वन दैट आई हैव अपलोडेड। ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज ऑपरेशन नमस्ते। ओके, और ये ऑपरेशन नमस्ते इनिशिएट किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। ओके, इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड द ऑपरेशन नमस्ते टू फाइट द COVID-19 pandemic. Okay, the Indian Army has codenamed its anti-COVID-19 campaign as Operation Namaste to help the government in its fight against the pandemic. और क्या किया जाएगा इसमें? Okay, तो देखिए, जो soldiers अपने अपने घरों में फंसे हुए या जो field पे नहीं है, उनको lockdown follow करने के लिए कहा गया है. Okay, soldiers are advised to follow the lockdown wherever they do not have any operational role and stay fit. ओके, जहाँ अगर उनको फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, तो वहाँ उनको बोला गया है कि भाई लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए। ओके, एंड दे आर अश्योर्ड दैट देयर फैमिलीज विल बी टेकन केयर। जो फील्ड पे है उनको ये अश्योरेंस दिया गया है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडर ऑपरेशन नमस्ते आपकी जो फैमिलीज है उनको पूरा हेल्प प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, leave extension for those on leave as well as curtailment of leave to bare minimum have been imposed. जो के जो घर पे उनको घर पे रहने के लिए बोला गया है और जो फील्ड पे उनको फील्ड पे रहने के लिए बोला गया है। ओके, और जो फील्ड से वापस आए उनके लिए आर्मी के अलग अलग कैंप्स में सेग्रीगेशन फैसिलिटी की जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई गई है ताकि वो किसी के और के संपर्क में आगे किसी और को इफेक्ट ना कर सके। ओके, so this you need to know. 6 quarantine facility army की तरफ से खोली गई है। ओके, 6 quarantine facility कहाँ कहाँ? तो वो खोली गई है मानेसर हरियाणा, ओके, जैसलमेर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, चेन्नई तमिलनाडु, हिंडन यूपी एंड मुंबई महाराष्ट्र। ओके, मानेसर वही जगह है जहाँ वुहान में फंसे चाइनीज स्टूडेंट वुहान में फंसे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, ओके, उनको एयर इंडिया की फ्लाइट के स्पेशल फ्लाइट के द्वारा लाया गया था। जो उनको पहली बार क्वारंटाइन में मानेसर में रखा गया था। ओके, ऑल्सो ऐसे और क्वारंटाइन फैसिलिटीज आने वाले टाइम में जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो कहाँ और ऐसे फैसिलिटीज ओपन किए जाएंगे, तो वो सिटीज के नाम आपको दिए गए हैं, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोची, डुंडीगुल, बेंगलुरु, कानपुर, जैसलमेर, जोरहट, आसाम एंड गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ऑल्सो आर्मी ने अपनी तरफ से क्या किया है, जो आर्मी की आर्म्ड फोर्सेस के जो हॉस्पिटल्स थी, ओके, उनको कोविड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, 28 आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल्स हैव बीन एनमार्क्ड एज COVID-19 हॉस्पिटल्स। ओके, सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, चलिए, और जो फोर्सेस है वो क्या क्या हेल्प प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो रिसेंटली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो आपको पता है DRDO, जो जनरली अपने लिए मिसाइल रिसर्च एंड ऑल दोज काइंड ऑफ वर्क अपने इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, ओके, तो दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग वेंटिलेटर्स। अपने को पता है कि पूरे इंडिया में वेंटिलेटर्स की काफ़ी कमी अपने को देखने को मिली है। ओके, तो अगर इनकेस आने वाले और टाइम में ये नंबर और सिग्निफिकेंटली अगर बढ़ता है COVID-19 पेशेंट्स का, ओके, सो वी आर गोना नीड वेंटिलेटर्स, तो वो वेंटिलेटर जल्दी से डेवलप करने का काम कौन कर रहा है? DRDO, ओके, एंड प्रोवाइडिंग अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑल्सो, नीड के हिसाब से अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा। ओके, अभी DRDO ने अपने जो सारे काम है वो साइड पर रख के प्रायोरिटी किसको दे दिया है? वेंटिलेटर्स एंड टू प्रोवाइड अदर मेडिकल इक्विपमेंट दैट कैन हेल्प इन फाइटिंग COVID-19। ओके, इंडियन नेवी ने भी हेल्प किया है। क्या हेल्प किया है? तो इंडियन नेवी ने दिल्ली में जो 60,000 मास्क फंसे हुए थे, ओके, जो ऑर्डर किए थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोवा ने, तो लॉकडाउन की वजह से वो आ नहीं पा रहे थे, तो इंडियन नेवी ने प्रोएक्टिवली काम करके, ओके, प्रोएक्टिवली एक्शन लेके उन मास्क को दिल्ली से कहाँ पहुँचाया, गोवा तक पहुँचाए, और वो मास्क गोवा में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ओके, और इसके लिए किसकी हेल्प ली गई? इल्यूजिन 38 SD,
इल्यूजिन 38 SD जहाज की हेल्प ली गई जो कि INS हंसा से डिपार्ट हुआ और कहाँ पहुंचा, पालम एयरपोर्ट। पालम एयरपोर्ट दिल्ली से उससे मास्क कलेक्ट किए और सेम डे वो वापस लौटा INS हंसा गोवा। नाउ व्हाट इज दिस इल्यूजिन 38 सी ड्रैगन? सो इल्यूजिन 38 SD, 38 सी ड्रैगन इज अ लो रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट विच इज करंटली इन सर्विस विद रशियन नेवी एंड द इंडियन नेवी। दीज आर मैरीटाइम पेट्रोल एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय द रशिया बेस्ड इल्यूजिन एविएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये रशिया से हमने खरीदा है, जो भी कौन यूज कर रहा है, रशियन नेवी एंड इंडियन नेवी इज यूजिंग दिस। इन इंडिया दीज आर बेस्ड एट गोवा एंड कैन बी डिप्लॉयड इन सर्वेलेंस। कहाँ कहाँ उसका यूज हो सकता है? तो कि उसका यूज सर्वेलेंस में हो सकता है, सर्च में, सर्च एंड रेस्क्यू में हो सकता है, मैरीटाइम रिकॉन्साइंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन में भी इल्यूजिन 38 सी ड्रैगन को इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज INS हंसा? तो INS हंसा इज अ नेवल स्टेशन लोकेटेड नियर डाबोलिम गोवा। डाबोलिम करके जो रीजन है गोवा का, वहाँ पे INS हंसा नेवल एयर स्टेशन बनाया गया है। और कब कमीशन हुआ था? ये कमीशन हुआ था सितंबर 1961 में। इट सर्व्स एज द इंडियन नेवी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर बेसिस। वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर बेसिस एंड हैज ग्रोन टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड एयरफील्ड दैट हैंडल्स बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फ्लाइट्स राउंड द क्लॉक। सो ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी। नाउ होमवर्क फॉर यू हियर इज यू नीड टू फाइंड आउट अबाउट ऑपरेशन संजीवनी। कमेंट इन कमेंट बॉक्स बिलो दैट व्हाट इज ऑपरेशन संजीवनी। एवरी डिटेल अबाउट ऑपरेशन संजीवनी। इट इज रिलेटेड टू COVID-19 इटसेल्फ। सो यू नीड टू प्रोवाइड मी द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन संजीवनी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज G20। ग्रुप ऑफ 20। वी ऑलरेडी आर अवेयर, वी ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। G20 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करेगा, कौन से कंट्रीज है। बट ड्यू टू दिस COVID-19 उसकी जो मीटिंग होने वाली थी तो अभी के लिए G20 के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है। एंड नवंबर में होने वाली मीटिंग के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये जो COVID-19 का जो पेंडेमिक है वो अगर लंबा चल जाएगा देन दैट G20 समिट विल बी पोस्टपोन्ड और मे बी कैंसल्ड। दैट वी हैव टू सी दैट व्हाट्स इन फ्यूचर। सो नाउ G20 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन एंड दैट विल फॉर्म योर ग्रुप ऑफ 20 विच इज पॉपुलरली नोन एज G20। विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक भी उसका एक हिस्सा होंगे। उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इस समिट का पार्ट होंगे। द मेंबरशिप कंप्राइज ऑफ, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई G20 इज सो इम्पॉर्टेंट। सो द मेंबरशिप कंप्राइज इज अ मिक्स ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। जो रिप्रेजेंट करता है अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 85% ऑफ दी ग्लोबल GDP प्रोडक्ट्स, ग्लोबल GDP एंड 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कवर करते हैं ये 19 कंट्रीज मिलके। तो G20 में द वर्क ऑफ G20 इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रैक्स, फिनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक्स। द फिनेंशियल ट्रैक कंप्राइजेज ऑल मीटिंग्स with G20 finance ministers and central bank governors. तो जो finance minister और central bank के governor होंगे वो financial बातें करेंगे, वहाँ पे जाके financial चीज़ें discuss करेंगे, such as focus on monetary and fiscal issues, financial regulations, etc. The Sherpa track, अगर जो Indian government की तरफ से जो Sherpa के तौर पर जाएगा वो क्या करेगा, political engagement, anti-corruption and development, energy, etc. So those who have watched the GPSC Gujarati video already have answered this. But
those who are watching this for the first time, for those, your homework here is you need to tell me in the comment box that who is the Sherpa for 2019 G20 summit from India. Okay, who has sent, who has been sent as Sherpa. Okay, I'll be waiting for your comments. Now, G20 members, kaun se hai? G20 members are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, UK, USA and the European Union. Okay, and ye cheez aapko khaas yaad rakhni hai. Spain is a permanent non-member invite. Okay, wo member nahi hai. Okay, but still Spain is a permanent non-member invitee. Okay, and wo har summit attend karta hai. Okay, humne kaafi sare groups bhi likhe the jo is summit ko attend karte hai. Okay, so you need to keep that in mind as well. ओके और स्ट्रक्चरिंग और फंक्शनिंग ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में लिखवा दिया है. ओके, प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली. ओके, उसकी प्रेसिडेंसी हर साल चेंज होगी. 2019 में ये हुआ था ओसाका जापान में, 2020 में होने वाला है ये रियाद सऊदी अरेबिया में. ओके, एंड विच इज़ वेरी अनश्योर ड्यू टू दिस COVID-19 पेंडेमिक. ओके, फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी द 19 कंट्रीज आर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, each having no more than 4 countries. The presidency rotates between each group. Okay, every year G20 selects a country from another group to be president. Or India kaun se group mein hai? India belongs to group number 2, which also has Russia, South Africa and Turkey. Okay, Russia, South Africa and Turkey. The G20 does not have a permanent secretariat or headquarters. ओके, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर नहीं है. ओके, कौन से इश्यूज G20 में कंट्रीज डिस्कस करेंगे, तो मेनली इट विल बी रिलेटेड टू फिनेंस एंड इकोनॉमी एंड ट्रेड. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, फिनेंशियल मार्केट्स, फाइट अगेंस्ट करप्शन, एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन जॉब मार्केट, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, एंटी टेररिज्म एंड इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे टॉपिक्स पे भी G20 कंट्रीज डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो है वो सारे ग्लोबल इम्पोर्टेंस के इश्यू है. ओके, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे ट्रेड में, GDP में ये 19 कंट्रीज आर कवरिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पार्ट. ओके, सो दैट्स वाई दिस टॉपिक्स आर एज इम्पोर्टेंट एज इकोनॉमी. ओके, सो दोज दीज टॉपिक्स ऑल्सो कैन बी कवर्ड एज पर दी टाइम. ओके, चलिए नेक्स्ट अपने पास न्यूज है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू COVID-19. टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पोस्टपोन किया गया है, और ये ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई ओलंपिक को किसी ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन किया जा रहा है. ओके, आज तक कभी भी ओलंपिक्स को, ओलंपिक्स गेम को पोस्टपोन नहीं किया गया है. ओके, एक बार कैंसिल जरूर हुआ था, बट पोस्टपोन पहली बार हो रहा है. ओके, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. ओके, सो द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, दैट इज शॉर्टली नोन एज IOC, ओके, एंड द टोक्यो 2020 ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द टोक्यो 2020 समर गेम्स टू द समर 2021 ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक. ओके, अब 2020 की जगह ये कब होगा, समर 2021 में होगा. ओके, एज ऑफ द करंट शेड्यूल. ओके, हाउएवर द ओलंपिक गेम्स विल कीप द नेम ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स टोक्यो 2020. जब 2021 में ये गेम्स खेले जाएंगे तभी भी उसका नाम क्या होगा, ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स टोक्यो 2020. ओके, अब देखिए यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है, बट 2024 के ओलंपिक्स और 2028 के ओलंपिक्स के बारे में अपने पास कोई अभी भी अपडेट नहीं है कि उसको भी एक एक साल पीछे किया जाएगा या नहीं. ओके, तो दैट विल अपडेट इन फ्यूचर. द डिसीजन केम आफ्टर सम ऑफ द मेजर स्पोर्टिंग नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा विड्रॉ फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स 2020. अब क्यों इन कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है काफी सारे कंट्रीज में, तो जो प्लेयर्स है दे कैन नॉट प्रैक्टिस थरली. ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह एनी वे कम्यूट नहीं कर पाएंगे.
आपकी ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, ओके? तो हाफ प्रिपेयर्ड जाने का कोई मतलब नहीं था। सो दिस कंट्री विथड्रू देयर कंटेंडरशिप फ्रॉम ओलंपिक 2020, ओके? द नेशंस विथड्रू इन द बैकड्रॉप ऑफ लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रैवल, डिफिकल्टी इन ट्रेनिंग एंड एक्सपोज्ड रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और स्प्रेडिंग द डिजीज, ओके? सो इस वजह से काफी सारे कंट्रीज ने अपना नाम ले वापस ले लिया था, एंड दैट्स व्हाई द आईओसी हैज डिसाइडेड दैट हम इस बार ओलंपिक गेम्स नहीं करेंगे, ओके? नाउ दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट कोविड-19, ओके? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नेम्ड द कोरोना वायरस डिजीज एज कोविड-19, ओके? एंड कोविड कहाँ से लिया गया है? कोविड लिया गया है कोरोना वायरस डिजीज पर से विथ 2019, क्योंकि दिसंबर 2019 में इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था इन वुहान चाइना, ओके? और ये स्ट्रेन जो है, जो कोरोना वायरस का कौन सा स्ट्रेन अभी फैला हुआ है, दैट इज सार्स कोव टू, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू, विच इज शॉर्टली नोन एज सार्स कोव टू, ओके? सो दिस यू शुड नोट, ओके? नाउ व्हाई दिस इज एन हिस्टोरिक पोस्टपोनमेंट, ओके? व्हाई दिस इज एन हिस्टोरिक पोस्टपोनमेंट? बिकॉज द पोस्टपोन द ऑर्गेनाइजर्स हैव पोस्टपोन द इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 124 ईयर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ओके? 124 ईयर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन किया गया है, ओके? द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896, एथेंस ग्रीस से इसको इसकी शुरुआत हुई थी, ओके? इन 1940 जापान वॉज टू बी द फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द ओलंपिक, बट इट्स मिलिट्री एग्रेशन इन एशिया फोर्स द एनलमेंट फॉर द ओलंपिक शेड्यूल्ड इन जापान। द 1940 ओलंपिक इज नोन एज द मिसिंग ओलंपिक्स आफ्टर द गेम्स वर स्विच्ड टू हेलेंसकी बिफोर फाइनली बींग स्क्रैप्ड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ओके? 1914 में भी जापान में ही ये होने वाले थे, ओके? और उसको स्क्रैप कर दिया गया था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, और इस बार भी वो होने वाले थे जापान में, टोक्यो में, उसको भी क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, ओके? सो दिस यू शुड नो, ओके? अब उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जापान ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा इस पे खर्च कर चुका है, ओके? सो ये जापान की इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छी बात नहीं है, ओके? चलिए अब ये है, आप जो स्क्रीन दिख रहा है दैट इज रिलेटेड टू ओलंपिक का बैकग्राउंड क्या है, ओके? तो ओलंपिक गेम्स वर ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीस एंड एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे ये शुरू हुआ था, ओके? वापस देखिए यहाँ पे हो रहा है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896 एट एथेंस ग्रीस, ओके? द आईओसी को कब बनाया गया था? आईओसी वाज क्रिएटेड इन 23rd जून 1894, एंड इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, ओके? ओलंपिक मूवमेंट की सुप्रीम अथॉरिटी होगी आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, आईओसी, ओके? और इसका पैटर्न है, एज वी ऑलरेडी नो दैट हर 4 साल में ये होगा। The Olympics have been held every 4 years since 1948. So 1948 से ये हर साल होता है, ओके? एंड द ऑनर ऑफ होल्डिंग द ओलंपिक गेम इज एंट्रस्टेड टू अ सिटी एंड नॉट टू अ कंट्री। कंट्री चाहे कैसा भी हो, कितना भी पीछे हो, किसी सिटी को इसका ये डिसाइड करने का राइट दिया जाएगा, ओके? द चॉइस ऑफ द सिटी लाइज सोलली विद द आईओसी, दस द एप्लीकेशन टू होल्ड द गेम्स इज मेड बाय द चीफ अथॉरिटी ऑफ द सिटी विथ द सपोर्ट ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, ओके? सो दिस यू शुड कीप इन माइंड, ओके? ये आपके टॉपिक से टोक्यो रिलेटेड, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के रिलेटेड, व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो, व्हाट इज द जैपनीज मोटो, एंड हु इज प्रोजेक्टेड इज द मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक, ओके? चल नेक्स्ट टॉपिक है अपने लिए एनसीडीसी, ओके? नाउ व्हाट इज एनसीडीसी? एनसीडीसी इज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ओके? और उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया है टू मॉनिटर द सिचुएशन
in every state regarding COVID-19. Okay, so National Center for Disease Control actively ground level ki situation monitor कर रहा है. ओके, द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो कि पहले उसका क्या नाम था, पहले उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, NIDC. ओके, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1909. ओके, सो NIDC, वो NICD वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू NCDC विथ अ लार्जर मैंडेट एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रोलिंग इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीजेज इन 2009. ओके, सो NICD को NCDC कब बनाया गया है, 2009 में. इट फंक्शंस एज द नोडल एजेंसी इन द कंट्री फॉर डिजीज सर्वेलेंस फैसिलिटेटिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, तो ये नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है जो मैन पावर को ट्रेन करेगी हाउ लेबोरेटरी साइंस में, पब्लिक हेल्थ में, ओके, एटोमोलॉजिकल सर्विसेज में, इट इज इन्वॉल्व इन वेरियस अप्लाइड रिसर्च एक्टिविटी. ओके, तो COVID-19 से कैसे लड़ना है वो सारी चीज़ों के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स, उनको प्रिपेयर किया जाएगा, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स को प्रिपेयर किया जाएगा थ्रू दी NCDC. ओके, उसका मेजर फंक्शंस क्या है वो मैंने आपको यहाँ इलेबोरेट किया है. अंडरटेक्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज आउटब्रेक्स इन ऑल ओवर दी कंट्री. ओके, ग्राउंड लेवल में क्या सिचुएशन है उसके ऊपर मॉनिटर करेगा. ओके, प्रोवाइड्स रेफरल डायग्नोस्टिक सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स. ओके, कम्युनिटी को ये प्रोवाइड करवाएगा डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट हेल्थ डायरेक्टोरेट्स. ओके, एंगेज्ड इन जनरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इन वेरियस एरियाज लाइक एपिडेमियोलॉजी, सर्वेलेंस एंड लेबोरेटरीज एटसेट्रा. Applied integrated research in various aspects of communicable as well as some aspect of non-communicable diseases has been one of the prime function of the institute. Okay, और ये किसके अंडर काम करेगा, ये काम करेगा आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS के अंडर ये काम करेगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली. ओके, तो दिस इज अबाउट NCDC. नाउ नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक इज मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति. ओके, तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति आर्मी की तरफ से स्टार्ट किया गया है. ओके, टू इम्प्रूव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन आर्म फोर्सेस. ओके, सो इट वॉज लॉन्च इन 2018 बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस with the objective of creating a greater intellectual property in the defense production system. Okay, जैसे सालों साल हम USA, रशिया या और किसी कंट्री से हमने इक्विपमेंट्स मंगाते रहते हैं. ओके, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब हम हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी. ओके, नाउ सो वी नीडेड टू प्रोड्यूस दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बाय आवर सेल्फ्स इन इंडिया ओनली. सो उसके लिए अपने को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए, उसको ये मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा. ओके, सो इट एम्स टू अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर, टू जेनरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम द कल्चर ऑफ सीकिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज. ओके, हम कब तक इन इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे. ओके, सो द बेसिक आइडिया इज कि अपने को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसे डेवलप करनी है कि हम ये सारी चीज़ें अपने यहीं पे डेवलप कर पाए, ताकि अपने को उन फ्रांस, रशिया या USA जैसे कंट्रीज पे रिलायबल ना रहना पड़े. ओके, सो दैट इज द बेसिक एम ऑफ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति. नेक्स्ट टॉपिक विथ अस इज वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे. ओके, वर्ल्ड TB डे दैट फॉल्स ऑन 24th March एवरी ईयर, और इसका मेन एम क्या होगा, टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द TB. ओके, द डिवास्टेटिंग हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड टू सेटअप एफर्ट्स टू एंड द ग्लोबल TB एपिडेमिक. ओके, सी दिस इज द एपिडेमिक, वी ऑलरेडी हैव कवर्ड थ्री वर्ड्स लाइक आउटब्रेक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक. ओके, चलिए, सो वाई March 24th इज चूजन. Okay, so it is the Dr. Robert Koch's discovery, okay, of the cause of tuberculosis in 1882. Okay, so jo tuberculosis
टीबी का जो कॉज था वो उसका कॉज को किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर रॉबर्ट कोच. ओके, सो इन मेमोरी ऑफ रॉबर्ट कोच, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, वी आर सेलिब्रेटिंग टीबी डे ऑन 24 मार्च वर्ल्ड वाइड. ओके, टीबी रिमेन्स द वर्ल्ड्स डेडलीएस्ट इन्फेक्चुअस किलर. ओके, ईच डे ओवर 4,000 पीपल लूज देयर लाइफ टू टीबी. ओके, जस्ट कंपेयर दिस टू कोरोना. ओके, दिस इज दैट डेंजरस. बट वाई इट इज नॉट पेंडेमिक? बिकॉज वी हैव वैक्सीनेशन फॉर दैट. ओके, एंड वाई कोरोना वायरस इज पेंडेमिक? बिकॉज वी डू नॉट हैव वैक्सीनेशन फॉर दैट. ओके, और जो 2024 24 मार्च 2020 का जो थीम था, दैट इज इट्स टाइम. ओके, उसका उस दिन का थीम था इट्स टाइम. ओके, इट पुट्स एन एंड एसेंट ऑन द अर्जेंसी टू एक्ट ऑन द कमिटमेंट्स मेड बाय ग्लोबल लीडर्स टू स्केल अप एक्सेस टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, बिल्ड अकाउंटेबिलिटी, एंश्योर सफिशियंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग फॉर रिसर्च, प्रमोट एंड एंड टू स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट एंड इक्विटेबल राइट्स बेस्ड एंड पीपल सेंटर्ड टीबी रिस्पॉन्स. ओके, अब इंडिया का क्या स्टैंड है? ओके, सो देखिए, यूएन ने ये बोला है कि भाई हर कंट्री को 2030 तक अपने देश में, अपने कंट्री में टीबी को रिड्यूस करना है. ओके, टीबी को ख़त्म करना है. इंडिया ने आगे चल के क्या डिसाइड किया है कि इंडिया विल एलिमिनेट द प्रिवेलेंस ऑफ टीबी बाई 2025 इटसेल्फ. और इसके लिए हम कौन सा कैंपेन चला रहे हैं? वी आर रनिंग अ कैंपेन कॉल्ड टीबी हारेगा देश जीतेगा. और काफ़ी सारे गवर्नमेंट एंड लोकल एंड पंचायत स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, तालुका स्तर पर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि टीबी से लड़ा जा सके. और 2025 तक वी वांट टू फ्री फ्रॉम टीबी. ओके, चलिए. और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, ओके, फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन. ओके, जो कि चलाया जाएगा 2017 से लेकर 2025 तक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज समथिंग अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस. ओके, सो टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट यू शुड नो. वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट के कौन से जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से होंगे या वायरस से होंगे. ओके, सो दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नेम्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. ओके, एंड दैट मोस्ट ऑफन अफेक्ट दी लंग्स. ओके, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर. व्हेन पीपल विद टीबी कफ, स्नीज और स्पिट, दे प्रोपेल द टीबी जर्म्स इनटू द एयर. ओके, सिम्टम क्या है? कफ विद सिम्टम एट ब्लड एट टाइम्स, चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट्स. ओके, उसके ट्रीटमेंट क्या है? स्टैंडर्ड 6 महीने का एक कोर्स है जो कि 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का आपको लेना पड़ेगा. ओके, सो दिस यू शुड नो. ओके, चलिए, नेक्स्ट वी हैव आईडेक्स इनिशिएटिव अगेन फ्रॉम द डिफेंस इंडस्ट्री. ओके, फॉर द डिफेंस इंडस्ट्री. ओके, आईडेक्स इज इन, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडेक्स? दैट इज राइट हियर, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस इनिशिएटिव. इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस इनिशिएटिव. आईडेक्स इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री. ओके, आईडेक्स इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री, एंड दिस वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2018. ओके, सो आईडेक्स एम्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस. जो मेन एम है उसका वो क्या है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाई एंगेजिंग इंडस्ट्रीज. ओके, जो कि कौन सी इंडस्ट्रीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा? MSMEs, startups which works for defense and aerospace, individual innovators, R&D institutes and academia. Okay, so IDEX will provide the engaging industries with funding and other support to carry out research development. Okay, and IDEX will be funded and managed by Defense Innovation Organization, that is known as DIO, and will function as the executive arm of DIO. Okay, so DIO is a non-profit company registered under Section 8 of the Companies Act 2013. Okay, Companies Act 2013 we have already covered in CSR.
corporate social responsibility in our last video. Okay, its two founding members are Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL, headquartered in Bengaluru, okay, and Bharat Electronics Limited. And both these are Navratna companies. Okay, so वो उसके founder members हैं Defence Innovation Organization के. Okay, now next we have is World Water Day. World Water Day is observed on 22nd March every year. Okay, it focuses on the importance of fresh water. Okay, कैसे fresh water को conserve करना चाहिए उसके लिए awareness फैलाएगा. The World Water Day has been observed since 1993 and intends to raise awareness of the 2.2 billion people living without access to safe water. और 2020 के World Water Day की थीम क्या थी? Water and Climate Change, which aims to explore interrelation between water and climate change. Okay? The core focus of the World Water Day is to support the achievement of Sustainable Development Goal 6. Okay, जो हमने पता है हम के 70, we have 17 Sustainable Goal. We have already covered the Sustain SDG Index 2019. Okay, with respect to India. Okay, so उसमें जो 6th number का जो छठा SDG है वो क्या है? Water and Sanitation for All by 2030. ओके, सो इसके अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है. दिस सर्व्स टू रीअफर्म दैट वाटर एंड सैनिटेशन मेजर्स आर की टू पॉवर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ओके, सो दिस यू शुड नो. नाउ दिस आर जस्ट डे, इंपॉर्टेंट डेज दैट फॉल ऑन 22 ऑफ different months. 22nd March is World Water Day, 22nd April is Earth Day, and 22nd May is World Biodiversity Day. Okay, now next topic for us is Olive Ridley Turtle. Okay, so now you first see this word, that is recently mass nesting. Now what is mass nesting? So when large number of animals, ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे जब उनके अंडे रखने के लिए जाएंगे, ओके, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मास नेस्टिंग. ओके, सो एंड व्हाट इज रुकेरी? सो रुकेरी जहाँ पे ये लोग अंडे रखने आते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज रुकेरी. ओके, सो ऐसा मास नेस्टिंग रिसेंटली देखने को मिला है उड़ीसा में. उड़ीसा में कहाँ पे? ऋषिकुलिया नाम की जगह है. ओके, ऋषिकुलिया रुकेरी कोस्ट पे. और किसका मास नेस्टिंग अपने को देखने को मिला है? ऑलिव रिडले टर्टल्स. ओके, सो द ऋषिकुलिया रुकेरी ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा इज इंडियाज लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट. ओके, लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडले. ओके, फॉलोड बाय द कोस्ट ऑफ मेक्सिको एंड कोस्टारिका. ओके, सो ये ऑलिव रिडले टर्टल क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? ओके, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर रही है कि ऑलिव रिडले टर्टल की जो मास नेस्टिंग की प्रोसेस है वो हर साल थोड़ी बहुत चेंज होती हुई दिख रही है. ओके, सो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है या इसके लिए कोई और रीज़न है? तो दैट गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग. सो दैट्स वाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज़. ओके, और ये हर साल अप्रैल और मई का जो महीना है उसके बीच में अपने को ये मास नेस्टिंग देखने को मिलेगा. ओके, तो देखिए अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है. दो द स्पीशीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वल्नरेबल बाय IUCN रेड लिस्ट, दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर साइट्स अपेंडिक्स 1. दे आर आल्सो लिस्टेड ऑन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ओके, सो दिस यू शुड नो. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर अस इज मार्टियर्स डे. ओके, 23rd मार्च को मार्टियर्स डे मनाया गया. ओके, टू एज अ ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु. ओके, दिस डे इज ऑल्सो नोन एज शहीद दिवस और सर्वोदया दिवस. ओके, अब इसको आपको कन्फ्यूज नहीं करना है. जो 30 जनवरी को जो मार्टियर्स डे मनाया जाता है, ओके, वो महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था उसके लिए मनाया जाता है. ओके,
एंड दिस इज सेलिब्रेटेड के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी, ओके, उनको फ्रीडम, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये मनाया जाता है. ओके, सो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु डाइड इन 23rd मार्च 1931. दे वर हैंग्ड टू डेथ फॉर असेसिनेटिंग जॉन सॉन्डर्स, अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स इन 1928. दे हैड मिस्टूक हिम फॉर द ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट. ओके, तो जेम्स स्कॉट की जगह उन्होंने जेम्स सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी और इसके लिए उनको 23rd मार्च को फांसी दे दी गई थी. ओके, इट वॉज स्कॉट हु ऑर्डर्ड लाठी चार्ज विच इवेंचुअली लेड टू द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय. तो लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक फॉर आस इज यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020. ओके, तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा. ओके, नोडल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस. ओके, और उसके नीचे काम करता है आपका एसडीएसएन, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. कब ये प्रोड्यूस किया गया, ये रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया, 20th मार्च 2020 को. ओके, क्यों ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, बिकॉज मार्च 20 वॉज डेजिग्नेटेड एज दी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बाई यूनाइटेड नेशंस असेंबली इन 2012. ओके, इसका एम क्या है, टू एनालाइज हाउ हैप्पी देयर सिटीजन्स परसीव देम सेल्स टू बी. ओके, तो जो अलग अलग कंट्रीज के जो सिटीजन है वो कितने खुश है, अलग अलग पैरामीटर्स है विच विल कवर इन नेक्स्ट स्लाइड. तो उन पैरामीटर्स को लेकर अपने कंट्री से, वो अपने सिटी, उन कंट्रीज में रहने वाले जो सिटीजन है, जो लोग हैं, वो कितना खुश है, उसके बेसिस पे ये हैप्पीनेस रिपोर्ट रेडी किया गया है. टोटल कितने कंट्रीज को इसमें कवर किया गया है, 156 कंट्रीज को इसमें कवर किया गया है. इंडिया इज रैंक 144th, 2020 का रैंक है 144th. देखिए हम लास्ट 10 में है. ओके, एंड 2019 का जो हमारा रैंक था वो था 140th, 140. ओके, सो द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंक्स 156 कंट्रीज बाय हाउ हैप्पी देयर सिटीजंस परसीव देमसेल्व्स टू बी. द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन पोलिंग विच लुक्स एट सिक्स वेरिएबल, सिक्स वेरियस पैरामीटर्स विच आर जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, ओके सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनेरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन. ओके, सो इन 6 पैरामीटर्स पे सिटीजन क्या सोचते हैं, क्या खुश है, उस हिसाब से ये रिपोर्ट रेडी किया गया है. द 2020 रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रैंक्ड सिटीज अराउंड द वर्ल्ड बाय देयर सब्जेक्टिव वेलबींग एंड लुक्ड इनटू हाउ द सोशल, अर्बन एंड नेचुरल एनवायरमेंट्स कंबाइन टू अफेक्ट हैप्पीनेस. ओके, सो ये आपके लिए एक्स्ट्रा स्टफ है. टॉप टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, फिनलैंड, ओके, विच रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशन फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ईयर विच इज फॉलोड बाई स्विट्जरलैंड सेकेंड, न्यूजीलैंड थर्ड एंड ऑस्ट्रिया फोर्थ. ओके, लग्जमबर्ग एंगेज्ड इन टू द 10th स्पॉट फॉर द 10th स्पॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर. वर्स्ट परफॉर्मर कौन से है, जिम्बाब्वे, साउथ सूडान, अफगानिस्तान. ओके, वर्ल्ड वर्ल्ड लीस्ट हैप्पी नेशंस. क्यों, क्योंकि वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे चलते रहते हैं एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से इन वहाँ पे हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस का जो रैंकिंग है वो एकदम नीचे है. इंडिया प्रीवियसली रैंक्ड एट 140, ओके, ड्रॉप्ड टू 144. ओके, हमारे काफ़ी सारे नेबर से भी हम नीचे है इन द हैप्पीनेस रैंकिंग. कौन से नेबर है वो, नेपाल इज 92 ऑन 92nd रैंक, पाकिस्तान इज 66th रैंक, इमेजिन. ओके, बांग्लादेश इज 107th रैंक एंड श्रीलंका इज 130th रैंक. ओके, चलिए, सो जस्ट यू नीड टू मेक योर फ्लो चार्ट एज वी डू इन क्लास. ओके, फॉर दिस टॉपिक यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेक फॉर ट्राइबल्स विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड. नाउ वॉट इज ट्राइफेड, तो ट्राइफेड इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. ओके,
अब जैसे ही नाम पे से पता चल रहा है कि ट्राइफेड जो ऑर्गेनाइजेशन वो काम करेगी, जो ट्राइबल ग्रुप्स के जो स्कल्पचर है उनका जो कला है जो उनकी, ओके, उनको मार्केटिंग करने के लिए ये ट्राइफेड काम करेगी, ओके। सो ट्राइफेड हैज लॉन्च्ड द ट्रांसफॉर्मेशनल टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विथ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू डेवलप ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उसके लिए टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया है, ओके। टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म 5 करोड़ ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स बाई कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स टू ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोसीजर गैदर्स प्रोड्यूस गैदर्स, ओके। एनरोल्ड अंडर दी प्रधानमंत्री वन धन योजना, अंडर दी प्रधानमंत्री वन धन योजना, ओके। उनको ट्रेन किया जाएगा, ओके, ओवर द 6 वीक्स कंप्राइजिंग 120 सेशन। अंडर द प्रोग्राम ट्रेनीज विल अंडर गो, ओके, ट्राइबल ट्रेनीज विल अंडर गो अ 30-डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवर 6 वीक्स कंप्राइजिंग 120 सेशंस, ओके। द कोर्स करिकुलम विल इंक्लूड अचीवमेंट मोटिवेशन एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ओके, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एट्सेट्रा, ओके। ताकि उन लोगों को बढ़ावा मिल सके, वो लोग अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो स्किल है, उसको इजीली देश के हर कॉर्नर में पहुंचा सके, ओके। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट ट्राइफेड। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1987। इट इज एन नेशनल लेवल अपैक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ओके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइफेड इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन द कंट्री बाई द वे ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ देयर ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ओके, लाइक मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल टेक्सटाइल्स, पॉटरी, ट्राइबल पेंटिंग्स एंड पॉटरी ऑन विच द ट्राइबल्स डिपेंड हैविली फॉर अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम, ओके। सो ट्राइफेड एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर एंड प्रोवाइडर फॉर ट्राइब्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। आपको हमने आगे पढ़ा है कि ट्राइफेड ने ऑलरेडी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया है ताकि जो लोकल ट्राइबल प्रोजेक्ट्स है उसको पूरे कंट्री में पहुंचाया जा सके, ऑनलाइन सेल के लिए अवेलेबल करवाया जा सके, ओके। उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, विथ नेटवर्क ऑफ 13 रीजनल ऑफिस लोकेटेड एट वेरियस प्लेसेस इन दी कंट्री, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइफेड, ओके। आई होप एवरी टॉपिक इज क्लियर्ड। मोर टॉपिक वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियोज, ओके। थैंक यू, कीप इन टच, थैंक यू।